आज हम आपको एक सरकारी स्कूल की एक ऐसी जिंदा तस्वीर से रूबरू कराएंगे जिसकी कल्पना करना भी परे है। लेकिन जब इरादे बुलंद हो और आंखों में सपने हो तो फिर क्या मजबूरी, सबसे मुकाबला करने की हिम्मत आ जाती है। सबसे पहले देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीर है सरकारी स्कूल ग्राम धाम नंदा की, जहाँ बच्चे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हम आपको एक एक करके पूरी कहानी बताते हैं। यह है धार जिले का ग्राम धाम नंदा का सरकारी हाई स्कूल, जहाँ पर जगह कम और छात्रों की तादाद बहुत ज्यादा है। छात्रों की संख्या भी इतनी कि बिठाने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही है, जिसकी मुख्य वजह आसपास के क्षेत्र के गरीब परिवार के बच्चे हैं और उनके माता पिता प्राइवेट स्कूल की फीस भरने में समक्ष नहीं है, इसलिए सारे बच्चे सरकारी स्कूल का रुख करते हैं। यहाँ शिक्षक भी बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन स्कूल की बदहाली यह है कि छत टपक रही है, क्लास में अंधेरा है, बच्चों के बैठने की ठीक से जगह नहीं है, फिर भी बच्चे डटे हुए हैं और अंधेरे में ही अपना भविष्य खोज रहे हैं और IAS IPS तथा वकील बनने के सपने सजो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ सरकार एक भवन का निर्माण करवा दे तो इन मासूम बच्चों की सारी समस्याएं हल हो सकती हैं और वे अपने सपने साकार करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होते दिखाई नहीं दे रहा, आखिर क्यों? ऐसे में बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि क्या अंधेरे में इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? क्या टपकती छत किसी को नहीं दिखाई दे रही है? क्या जिम्मेदार अधिकारी इस स्कूल की सुध नहीं ले रहे हैं? क्या सरकार के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि एक बड़े स्कूल का निर्माण किया जा सके? क्या गरीब परिवार में जन्म होना इन बच्चों का गुनाह है? ऐसे हमारे कई तमाम सवाल हैं जो मध्य प्रदेश की सरकार से पूछा जाना लाजमी है। दिखाते हैं हम आपको धार से हमारे संवाददाता अमर वर्मा की खास रिपोर्ट। सर, आप के बच्चे भी पढ़ने में जज्बा है, आप में पढ़ाने में जज्बा है, लेकिन इस अंधेरे में और बिल्डिंग भी बड़ी टपक रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? इसमें देखिए बहुत समस्या तो बहुत है, बच्चों की बैठने की समस्या। आप देखिए खिड़की की तरफ से पानी आ रहा है, बच्चों को ज़्यादा पानी आ जाता है तो बच्चों को इधर उधर हमको बिठाना पड़ता है, जिससे क्लासेज डिस्टर्ब होती है। हमारी शासन के द्वारा जो निर्धारित समय है उसमें हमारी पढ़ाई भी कम्प्लीट करवाना रहती है, बच्चों को उसमें पीरियड भी लेना पड़ता है, पर कभी कभी क्या होता है अत्यधिक वर्षा होने के कारण हमारी पढ़ाई सब डिस्टर्ब हो जाती है। अब इसमें वो बच्चे जो पैदल चल चल के बेचारे बरसात में दूर दूर से आ रहे हैं, वो पढ़ाई के लिए आते हैं पर उनको सही समय पे पढ़ाई मिल नहीं पा रही है। तो हमारे शासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द हाई स्कूल भवन स्वीकृत करें ताकि इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो सके, ये अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम भारती रावण। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। ये कौन सा स्कूल है? सर ये गवर्नमेंट हाई स्कूल है। दामंदा दामंदा। आप ये अंधेरे में पढ़ रहे बेटा, कैसे लग रहा है आपको, कैसे पढ़ पाओगे? सर अंधेरे में पढ़ाई की जगह होता है और बारिश में पानी भी टपकता है। पानी टपकता है और सर बहुत प्रॉब्लम बनाती है। क्या चाहते हो आप? सर हम चाहते हैं हमारी क्लास न्यू बने, अच्छी बन जाए। क्या बनना चाहती हो आप? सर मैं IPS बनना चाहती हूँ। IPS बनना चाहती हूँ, ठीक। धार जिले का एक ऐसा स्कूल धामंदा, जहाँ पर सरकारी स्कूल में बच्चों की तो भीड़ बहुत लगती है, यहाँ पर पढ़ाने वाले का हौसला भी बहुत है, बच्चों का जज्बा भी बहुत है, किसी को वकील बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को IPS बनना है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप मेरे साथ सामने, ये टपकती हुई नीचे गंदगी है, ऊपर से छत टपक रही है। ऐसे में भी टीचर पढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन क्या जिम्मेदार व्यक्ति इस ओर ध्यान देंगे, सरकार इस ओर ध्यान देंगे कि इन बच्चों का भविष्य बन सके? आइए हम बात करते हैं यहाँ के टीचर से। जी सर, क्या नाम है सर? जी मेरा नाम महेंद्र कुमार दुबे। महेंद्र कुमार सर, ये पढ़ते गिरते हो पानी में, बच्चों को पढ़ा रहे, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये इस प्रकार की समस्या से हमको 2-4 प्रतिदिन होना पड़ता है। हमारे जो रोजमर्रा की जो पुस्तकें वगैरह जो हम आपको सामने दिख रही है उसको यहाँ पर रखते हैं, वो भी गीला हो जाते हैं और साथ में जो बच्चे आके बैठते हैं उनको काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि यहाँ पे संख्या तो और भी हो सकती है बच्चों की, लेकिन इस परेशानी के कारण हमको समस्या आती है। हम छुट्टी तो कर नहीं सकते, पढ़ाना तो है, लेकिन ये आप ऊपर भी देख रहे हो छत में से पानी टपक रहा है। हमारे यहाँ के जो पंखे वगैरह भी जो लगे थे वो भी जल चुके हैं। अधिकारी लोग आते हैं जाँच के लिए थोड़ा? हाँ, उनका आना जाना तो होता है, लेकिन इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उसका कारण भी था ना, चल जाएगा ऐसी स्थिति लगातार बारिश में। तो अब क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं कि बिल्डिंग का जो है इसके ऊपर छत का पुनर्निर्माण या फिर इसके ऊपर इस समस्या का निदान मिले। हमको तो सिर्फ इतना ही है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को हमको कोई किस प्रकार की इस बारिश के साथ में 2-4 होना नहीं पड़े। तो यहाँ टीचर का कहना है कि अगर ये समस्या हल हो जाए तो और भी बच्चे बढ़ सकते हैं। आते हैं अधिकारी चले जाते हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं।
कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, समाचार एक्सप्रेस, धार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।